पंडाना के कसार गांव में एक 12 साल के मासूम बालक हिमांशु की अवैध रूप से लगा रखे बिजली के तारों के चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सुबह लगभग 12 बजे सूचना मिली थी कि कसार के पास एक बालक का शव पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस मैच जाप्ता के साथ मौके पर पहुंची। शव को मंडाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों का कहना है कि बालक हिमांशु सुबह शौच करने के लिए निकला था, पास ही नाले में निकल रहे अवैध बिजली के तारों की चपेट में आने से बालक की मौत हो गई। सुबह से ही बालक की माँ बेटे को तलाश कर रही थी और पिता कोटा मजदूरी पर गए हुए थे। मेरा छोटा भाई जो कि परिवार में है, हिमांशु जो शौचालय के लिए गया था, उस दुकानदारों ने अवैध रूप से बिजली ले रखी है, उनके तार नंगे पड़े हुए हैं, जिसके चलते बच्चे की जान गई। मैं प्रशासन से आशा करता हूं कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उचित मुआवजे की मैं मांग करता हूँ। एक बच्चा जिसका नाम हिमांशु, पुत्र मनोज, जाति जाटव, उम्र करीब 12 साल, निवासी डांडी रसार का, मृत पड़ा था, जिसको मौके से उठा करके मोर्चरी रखवाया और मुझे पोस्टमार्टम करवाया गया। जांच शुरू की गई, जहाँ से जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम करा करके लाश को परिजनों को सौंप दिया गया।